मंदसौर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की पत्रकारों से चर्चा, कांग्रेस पर साधा निशाना, कई मुद्दों पर की पत्रकारों से चर्चा। भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा भाजपा संगठन में शराब माफिया की एंट्री एफआर का सवाल टालते रहे, बाद में ठोस बात कह गए। वित्त मंत्री देवड़ा की विधानसभा का है सवाल, भाजपा अध्यक्ष ने पशुपतिनाथ मंदिर जाकर पीएम मोदी के लिए प्रार्थना की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा रविवार को मंदसौर आए और यहां भाजपा संगठन की बैठक के बाद भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। अध्यक्ष शर्मा ने मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की प्रार्थना की और मीडिया से चर्चा के दौरान अध्यक्ष बीडी शर्मा शराब माफिया की भाजपा संगठन में एंट्री और एफआईआर दर्ज होने संबंधी सवाल को टालते गए और बार बार विषय सामने आने पर कहा, भाजपा में ऐसे माफियाओं के लिए स्थान ही नहीं है। अब मीडिया ने विषय उठाया कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा का मामला है और यही वजह है कि ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो शर्मा ने कहा, संगठन ने अगर गलती से ऐसे लोगों को अवसर दे भी दिया है, अगर वे हैं तो बचेंगे नहीं। मीडिया से चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को लेकर कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया, साजिश के तहत दोहरा चरित्र सामने लाए, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो विधानसभा में संकल्प पारित कराया है। इस दौरान शर्मा ने आरोप लगाया कि पंजाब में योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के इशारे पर पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई, आपराधिक मामला है। सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस ने पहले ही देश के दो दो पीएम खो दिए, लेकिन सबक नहीं मिला। कोरोना की सरकारी और वास्तविक आंकड़ों संबंधी सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने ऐसे केस अगर हैं तो संबंधित को मदद का प्रावधान प्रशासन स्तर पर किया जा सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, मंडी के पूर्व अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, संगठन के जिला मीडिया प्रभारी नीलेश जैन, रेडक्रॉस के पूर्व चेयरमैन प्रीतेश चावला, राजेश नामदेव भी मौजूद रहे। लव जिहाद के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, केरल के अंदर जैसे राज्य के अंदर इस प्रकार की घटना करने वाले योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। हमारी बेटियों के साथ भेष बदल कर, पहचान बदल कर कैसे लव जिहाद की घटना करते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में नहीं बचेंगे। लव जिहाद जैसे मामलों में संगलित हैं, उन्हें जेल के अंदर जाना होगा। रविवार को 2:50 पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, ये देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, केरल जैसे राज्य के अंदर इस प्रकार की घटनाएं करने वाले लोग योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। हमारी बेटियों के साथ भेष बदल करके, पहचान बदल करके जो इस प्रकार के लव जिहाद की घटनाएं करते हैं या करते थे, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जो लव जिहाद जैसी घटनाओं में संलिप्त होगा, उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। हो रही है, आपके जिलाध्यक्ष से पूछते हैं तो कहता है कि युवाओं में जोश है, लेकिन क्या कोरोना भी जोश में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, युवाओं में जोश हो सकता है भी, लेकिन सावधानी बरतना और कोरोना जैसे संकट से अपने आप को फेस करना, वो जो जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों के साथ बहुत नॉम से काम करती है और करेगी। आशा कर रही है क्या? आतंक, जब दिग्विजय सिंह मोहनचंद शर्मा की शहादत को कहता है कि ये तो फेक एनकाउंटर है और आतंकवादी के घर मिलने जाता है और वो जाकर के बाद में सर्वोच्च न्यायालय उस आतंकवादी को फांसी की सजा देता है, जरा बताइए मुझे आप, दिग्विजय सिंह कौन है? कांग्रेस के महासचिव हैं, इस प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जो कांग्रेस का करेक्टर ही है। नक्सलवाद को कौन समर्थन करता है? नक्सलवाद को समर्थन करने का काम कांग्रेस ही करती है। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को कौन समर्थन करता है? तो कांग्रेस करती है। तो ये कांग्रेस जानबूझ करके इस प्रकार की ताकतों के साथ हमेशा खड़ी रही है, ऐसे वामपंथियों से लेकर ऐसे लोगों को ताकत कांग्रेस ने ही दी है, इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस इस प्रकार के आतंकवाद को समर्थन करती है। आशा कर रही है क्या? आतंक, जब दिग्विजय सिंह मोहनचंद शर्मा की शहादत को कहता है कि ये तो फेक एनकाउंटर है
और आतंकवादी के घर मिलने जाता है और वो जाकर के बाद में सर्वोच्च न्यायालय उस आतंकवादी को फांसी की सजा देता है। जरा बताइए मुझे आप, दिग्विजय सिंह कौन है कांग्रेस के? महासचिव हैं, इस प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो कांग्रेस का करैक्टर ही है, नक्सलवाद को कौन समर्थन करता है? नक्सलवाद को समर्थन करने का काम कांग्रेस ही करती है। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को कौन समर्थन करता है? तो कांग्रेस करती है। तो ये कांग्रेस जानबूझ करके इस प्रकार की ताकतों के साथ हमेशा खड़ी रही है। ऐसे वामपंथियों से लेकर ऐसे लोगों को ताकत कांग्रेस ने ही दी है, इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस इस प्रकार के आतंकवाद को समर्थन करती है।